हर साल लाखों स्टूडेंट्स की एक खेप तैयार होती है जो स्कूल कॉलेजेस से निकलकर देश दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं और तब शुरू होती है अपने लिए सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी चुनने की खोज। इंटरनेट से लेकर अखबारों तक हम सब छान मारते हैं। ऐसे में अपने लिए सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी चुनना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, पर इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हर साल टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की एक रैंकिंग जारी करता है। इस साल भी टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई है। तो आइए देखते हैं कि इस बार यूपी की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को इस रैंकिंग में जगह दी गई है। जारी की गई रैंकिंग में इस साल यूपी के कुल 6 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 601 से 800 के बीच की रैंकिंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 801 से 1000 के बीच की रैंकिंग, अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा को 1001 से 1200 के बीच की रैंकिंग और लखनऊ यूनिवर्सिटी को 1201 से 1500 के बीच की रैंकिंग दी गई है। साथ ही इस रैंकिंग में जीएलए यूनिवर्सिटी और महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया है। तो वहीं इस साल भी यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी होने का अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर यूएस की हॉवर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर यूके की ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को स्थान दिया गया है। रैंकिंग में इस बार भारत के कुल 75 यूनिवर्सिटीज और संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें आईआईएससी बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में पहले नंबर पर है, लेकिन कुल ओवरऑल इसे 251 से 300 बैंड में स्थान मिला है। इसके अलावा JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च कर्नाटका ने भारतीय संस्थानों में दूसरा स्थान हासिल किया, जिसे ओवरऑल 351 से 400 बैंड में स्थान दिया गया है। JSS यूनिवर्सिटी के बराबर की रैंक में एक और यूनिवर्सिटी शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज ने भी रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसने पहली बार इस रैंकिंग में भाग लिया था। वहीं तमिलनाडु की अलगप्पा यूनिवर्सिटी और केरल की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 401 से 500 के बैंड में स्थान पाकर देश में तीसरे नंबर पर है। IIT रोपड़, IIT हैदराबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया और सविता यूनिवर्सिटी 501 से 600 के बैंड में स्थान पाकर देश में चौथे नंबर पर है। वहीं यूपी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, IIT इंदौर, IIIT दिल्ली, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, JNU, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सहित 13 भारतीय संस्थानों को 601 से 700 के बीच की रैंक दी गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन की 2023 रैंकिंग में इस साल 6 नए भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपना खाता खोला है, जिसके बाद 75 संस्थानों के साथ भारत लिस्ट में 6ठा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। वहीं रैंकिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश है। हालांकि 104 देशों की 1799 यूनिवर्सिटीज की इस रैंकिंग को दिल्ली, रुड़की, कानपुर, मुंबई और खड़गपुर सहित भारत के ज्यादातर IITs ने रैंकिंग मापदंडों में पारदर्शिता के मुद्दों का हवाला देते हुए लगातार तीसरे साल रैंकिंग का बहिष्कार किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिनके आधार पर ही दुनिया भर के संस्थानों को रैंक किया जाता है। क्या है वो रैंकिंग पैरामीटर्स, आइए देखते हैं। पहला, टीचिंग 30%, रिसर्च 30%, साइटेशन 30%, इंटरनेशनल आउटलुक 7.5%, इंडस्ट्री आउटकम 2.5%, जिसमें टीचिंग और रिसर्च के पैरामीटर्स में 15-15% हिस्सा संस्थान की प्रतिष्ठा के आधार पर दिया जाता है। बताते चले, टाइम्स हायर एजुकेशन और QS दुनिया में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दो सबसे प्रतिष्ठित सर्वेक्षण माने जाते हैं। जिन देशों के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में जगह बनाने में कामयाब होते हैं, उनका सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व माना जाता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।